भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही तीन मैचों की टी20 सीरीज में दूसरे टी20 मुकाबले से पहले भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा है। टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को चोट के चलते बाकी बची टी20 सीरीज से बाहर कर दिया गया है। जडेजा के ही दम पर भारतीय टीम ने आखिरी वनडे और पहला टी20 मैच जीता है, लेकिन वो अब चोट की वजह से आगे सीरीज नहीं खेल पाएंगे। रविंद्र जडेजा के टी20 टीम से बाहर होने के बाद तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है। बीसीसीआई ने कहा कि जडेजा निगरानी में है और शनिवार को जरूरत पड़ने पर उन्हें और स्कैन के लिए ले जाया जाएगा। जडेजा, जिन्होंने भारत को 161 रनों के शानदार स्कोर तक पहुंचाया था, उनको पारी के आखिरी ओवर में हेलमेट पर गेंद लगी थी, जबकि इससे पहले वो पैर से काफी परेशान थे। बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने पहले टी20 मैच में इस खिलाड़ी का आकलन करने का फैसला किया था। ऐसे में स्पिनर युजवेंद्र चहल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 मैच की दूसरी पारी में मैदान संभाला। ऑलराउंडर जडेजा ने जहां टी20 मैच में भारत की पारी में एक फिनिशर की भूमिका निभाई, जबकि चहल ने 4 ओवर में 3 बड़े विकेट झटक कर कंगारू टीम की कमर तोड़ दी। बाद में कंकशन सब्स्टिट्यूट को लेकर विवाद भी हुआ। बीसीसीआई ने एक रिलीज जारी करते हुए कहा है, रविंद्र जडेजा ने 4 दिसंबर 2020 को कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच की पहली पारी के आखिरी ओवर में अपने माथे के बाईं ओर चोटिल होने के बाद एक निरंतरता बनाए रखी। बीसीसीआई की मेडिकल टीम द्वारा पारी के ब्रेक के दौरान ड्रेसिंग रूम में नैदानिक मूल्यांकन के आधार पर उनके बीमार होने की पुष्टि की गई थी। जडेजा निगरानी में है और आज सुबह मूल्यांकन के आधार पर आवश्यकता पड़ने पर आगे के स्कैन के लिए ले जाया जाएगा। वो आगे सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसे में देखना होगा कि दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया कैसा प्रदर्शन करती है, क्योंकि रविंद्र जडेजा तो बाहर हो चुके हैं। देखना होगा बाकी टीम कैसा खेल खेलेगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।